वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के मोजो क्रेडिट कार्ड के बारे में, उसके बेनिफिट्स फीचर्स वीडियो में कवर करेंगे, कैसा कार्ड है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है, कैसा ये क्रेडिट कार्ड है, फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके टाइम से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड सिस्टम की, जो कि मोजो रिवार्ड पॉइंटों के रूप में आपको अर्न होते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये ऑनलाइन पे स्पेंड करेंगे तो आपको 2.5 मोजो रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी पर 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको 1 मोजो रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। इन मोजो रिवार्ड पॉइंटों की जो वैलिडिटी होगी 2 साल की होगी, और इनको जब रिडीम कराएंगे कैशबैक में तो इनकी वैल्यू 0.40 पैसे के बराबर होगी। और इनको अदर किसी कैटेगरी पर अगर आप स्पेंड करेंगे इन मोजो रिवार्ड पॉइंटों को, तो इनकी जो वैल्यू होगी 0.25 पैसे के बराबर होगी। और इनको तब आप कैशबैक में तभी रिडीम करा सकते हैं जब 2500 मोजो रिवार्ड पॉइंट आप अर्न कर लेंगे, तभी आपको ये कैशबैक में रिडीम हो पाएंगे। माइलस्टोन बेनिफिट की अगर कार्ड पर मैं बात करूं तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पर 1 साल के लिए ही आपको एक माइलस्टोन बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये 1 साल के भीतर स्पेंड कर देते हैं तो आपको 2500 मोजो रिवार्ड पॉइंट बोनस के रूप में मिलेंगे और 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन 500 से 3000 रुपये के बीच में है तो ही आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, और 1 साल में हाईएस्ट 3500 रुपये तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं। 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड पर। 1 क्वार्टर के भीतर आप 2 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। रेलवे सरचार्ज वेवर भी इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रेलवे की टिकट बुक करते हैं IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से, तो आपको 1.8% का रेलवे सरचार्ज वेवर मिलेगा। और अगर बुकिंग टिकट खिड़की से अगर इस क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करते हैं तो आपको 2.5% का सरचार्ज मिलेगा 1 साल के भीतर। हाईएस्ट आप 500 रुपये तक का सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। क्राइटेरिया की अगर कार्ड पर मैं बात करूं तो 21 साल से 65 साल का व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इंडिया का निवासी होना चाहिए, 4 लाख रुपए एनुअल इनकम उसकी होनी चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। और अब मैं बात करूं इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की, तो ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपये प्लस GST है। अगर आप कार्ड इशू होने के 90 दिन के भीतर 30,000 रुपये इस कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो वे ऑफ कर दी जाती है। एनुअल फीस की अगर मैं बात करूं तो वो भी 1000 रुपये प्लस GST है। अगर आप 1 साल के भीतर 1 लाख रुपये इस कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो आपकी जो एनुअल फीस है वो भी वे ऑफ कर दी जाती है। मेरी ओपिनियन की अगर मैं कार्ड पर बात करूं तो ये ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है, खास ऐसा बेनिफिट नहीं है जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूं। एवरेज कार्ड है, अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। और इस पे जो रिवार्ड पॉइंट हैं वो मोज पॉइंट के रूप में कन्वर्ट किए हैं, बस यही इसमें चेंजेज है, बाकी बेनिफिट थोड़े नॉर्मल से हैं। ठीक है, अगर आपको मिल रहा है तो आप जा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और मेहनत अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।